अरे क्या संभाल स्वामी के बहुत तवे चाट लिए मैंने, अब मुझे कोई अपना चाहिए जो मेरा चेला बने, जो मुझे अपना स्वामी बोले। बुराई ये तो एक नहीं दो दो चेलों की खुशबू आ रही है। खुशबू बुराई की इतनी मीठी मीठी खुशबू आप दोनों में से आ रही है ना, है ना? ए शॉर्ट सर्किट, बुराई किसको बोला? तुम दोनों को। अरे अरे मेरा मतलब ये कि मैं तो तुम दोनों की तारीफ कर रहा हूँ। आज के जमाने में जो जितना बुरा होता है ना उतना ही आगे जाता है। ये छोटा पैकेट, सीधा पॉइंट पर आ, हमारे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। तो पॉइंट की बात ये है कि तुम दोनों बुराई के रास्ते पे चल के आगे बढ़ना चाहते हो ना, है ना? नहीं नहीं नहीं, अपने से कमजोर को सता के बदमाशी करके तुम दोनों को मजा आता है ना? ए, ये वर्ड्स का गेम हमारे साथ मत खेल, जो भी है मुद्दे की बात कर, नहीं तो। ए, अरे अरे मुद्दे की बात ये कि मेरे पास है ना तुम लोगों के लिए बुराई से पैसे कमाने का एक बढ़िया आइडिया है। कौन सा प्लान? बताता हूँ अपना ये जो क्वारंटाइन सेंटर है ना, वहाँ पे मुफ्त का खाना मिलता है, मुफ्त का बेड बिस्तर मिलता है, तो क्यों ना हम तीनों मिलके इस क्वारंटाइन सेंटर को एक सस्ता होटल बना दे। देख ठीक है, पर इसका जो भी फायदा होगा वो हम दोनों का 50-50 होगा। ये बोल, मंजूर है? मंजूर है। हाँ मंजूर है। अरे विवान कहाँ चला गया? हाँ हाँ पद्मिनी आंटी, मैं घर ही जा रही हूँ लेना। अरे लो, हो गया मेरे गुड डे का बैड एंड, तुम्हारा फेस देख लिया। हाँ तो मेरा तो महीने का ही बैड स्टार्ट हो गया ना तुम्हारा फेस देखकर। ओ हेलो, जल गई ना? मैं क्यों जलूंगी? तुम्हारे कपड़े जलेंगे, तुम्हारे बाल जलेंगे, मैं क्यों जलूंगी? अरे अरे मैं जलेसी वाले जलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आग से जलने की बात कर रहा हूँ। ये देखो तुम्हारी उंगली, ये जलने का निशान वो एम्बुलेंस की वजह से। एम्बुलेंस? तुम्हें कैसे पता एम्बुलेंस की बात? मुझे क्या, हर किसी को पता होती है बात को। कौन सी बात? यही कि अगर किसी को चोट लग जाए तो फर्स्ट एड करना चाहिए, मेडिकेशन करना चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो मुझे कोई एम्बुलेंस नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए ना, मैं चाहता हूँ कि एम्बुलेंस वाले आए और तुम्हें उठा कर ले जाए ताकि एक महीने तक मुझे शांति मिले। यू मी भाग क्या डफर? भागा नहीं था, तुम्हारे लिए ये लेने गया था। आओ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अब ये आ करके बेसुरा गाना बंद करो प्लीज, और 6 घंटे में ऑइंटमेंट का असर हो जाएगा तो उंगली संभाल के रखना। अब उंगली नहीं संभालोगी तो मुझे यू करके कैसे बोलोगी? यू मी ऑइंटमेंट के पैसे कल दे देना। कंजूस, देखो तुम हमारे साथ चीटिंग मत करो। आज हम क्वारंटाइन सेंटर में टोटल 4 कस्टमर लेके आए थे। अरे चिंटू देख, कस्टमर बनाने का आइडिया किसका था? मेरा। तो बॉस कौन हो गया? मैं। और बॉस को हमेशा नौकर से ज्यादा पैसा मिलता है। देखो मोंटो भैया, जो हमें नौकर बोल रहा है। ए शॉर्ट सर्किट, नौकर किसको बोला? तुझे ज्यादा बॉस बनना है, ज्यादा बॉस बनेगा ना तो ऐसे फुल टॉस करके भारत का करके भाग दे दूंगा। हाँ अरे चला, हमारे पैसे दे। अरे पैसे निकालो। आजकल इस जमाने में अपना हक मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। छीनना पड़ता है? तू हमें हक बताएगा? पैसे दे। अरे सुन, पैसे निकालो, दिखा दो पैसे दे, तेरी पैसे निकालो। अरे अरे मोंटू भैया, तू संभाल के। ए कब आ गए छोटू? शिंकाई के डेविल्स को पकड़ने से पहले मुझे इन छोटे डेविल्स का दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। ए शॉर्ट सर्किट, कब आ गए? रुक रुक, इधर
पैसा निकाल, हम मुंडे में निकालो, सारे निकाल लो पैसे, निकाल, एक, दो, तीन, ठीक आते हैं शॉर्ट सर्किट ने मुंडे भैया, कि हक का पैसा छीनने से पैसों की बारिश होने लगती है, उठा उठा, हाँ, लगता है मुझे उस महाताकतवर को कैसे ना कैसे ढूंढना ही पड़ेगा। ये नोट अपने आप हवा में इधर से उधर नहीं हो सकते, जरूर अपनी जादुई ताकत का कोई इस्तेमाल कर रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा, ये जादू किस दिशा से हो रहा है। ये तो किसी बच्चे के हाथ हैं। काम कर दो, ये सारे पैसे जमा करके किसी चैरिटी में डोनेट कर देता हूँ। यस, क्या यही वो महाताकतवर है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो नकाबपोष तो कोई बच्चा नहीं था, ये ऐसी पहेली है। सो जमा हो गए नोट, अब दे देता हूँ चिंटू और मोंटू का आखिरी चोट। मुझे मालूम नहीं था कि बेईमानी का पैसा कमाना इतना मुश्किल होगा। मोंटो, मोंटो, तुम दोनों यहाँ कौन सी नई शरारत कर रहे हो? शरारत? नहीं नहीं, हम तो बस वो चुप। बीच में मत बोलो मोंटू। अगर तुम दोनों ने उस विवान के साथ या किसी और के साथ कोई भी नई शरारत की, तुम दोनों को 3 दिन तक डिनर नहीं मिलेगा। नहीं 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 बाबा नहीं, देखिए कोई और सजा दे दो, लेकिन डिनर वाली सजा मत देना प्लीज। हाँ प्लीज, तो फिर तुम दोनों घर चल करके पढ़ाई करो। चलो 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 कर। वो बच्चा कौन था? हेलो विवान, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ भैया। हेलो, माइक चेकिंग 1 2 3। हाँ हाँ भैया, सुन पा रहा हूँ लाउड एंड क्लियर। लेकिन मैंने तो आपको टेलीपैथी मैजिक सिखाया नहीं। अब वो बाल परी ने सिखाया मुझे, उन्होंने बताया कि टेलीपैथी कैसे यूज करते। लेकिन तुम मिश्रा जी की आवाज में क्यों बात कर रहे हो? ए चलो। हाँ हाँ चल रहे ना पापा। हाँ भैया, ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, पर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। चिंटू और मोंटू ना दोनों लोग सबको बुली कर रहे थे, तो मैंने भी मिश्रा अंकल बन करके इन दोनों को सबक सिखा दिया है। लेकिन लेकिन विवान, बालपरी ने बताया कि हमें बार बार अपने मैजिक का यूज नहीं करना है। भैया ये बात बालपरी और शौर्य को मत बताना। ठीक है विवान, नहीं बताऊंगा अब। लेकिन तुम एक बात ध्यान से सुनो, बालपरी ने कहा है कि हमें बार बार अपनी शक्तियों का यूज नहीं करना है, क्योंकि शंकाई वाले हमारी शक्तियों का पता लगा सकते हैं। ओके ओके भैया। और हाँ विवान, और एक बात है अनन्या और नकाबपोश के बारे में। ओ नो, कहीं भैंस पानी में। हाँ, अब किसके भैंस पानी में चली गई? मैं यहाँ डुप्लीकेट मिश्रा अंकल बन करके खड़ा हूँ और मेरे सामने ओरिजिनल मिश्रा अंकल खड़े हैं। विवान, कुछ भी हो जाए अपने मैजिक का यूज मत करना। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है देव भैया, या तो मैजिक या तो हो जाएगा मेरे साथ कुछ ट्रेजिक। आई चूज मैजिक। नो विवान, लेकिन
माल माल बच गए देवू भैया। देवू भैया मुझे नकाब पोश और रानी ने अदिति के बारे में घर पर बताइए। ओके ओवर एंड आउट। इस शक्ल पहचानने वाली डिवाइस से मैं उस लड़के को एकदम पहचान लूंगी। क्यों नहीं चल सकते ब्रिगेंजा? सुंदरी जी आपको देखने के बाद और सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। अरे सुंदरी उधर क्या देख रही हो? मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस बेवकूफ की वजह से आज वो लड़का मेरे हाथ से निकल गया। अरे सुंदरी जी मुझसे अच्छा लड़का आपको कौन मिलेगा? लो ये अब तो भी नहाना नहीं पड़ेगा। लेडी हम क्या आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं? वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। उस बच्चे के पास जादुई शक्तियां हैं। You mean to say, जिस सुपर पावरफुल बीइंग को हम ढूंढ रहे हैं वो असल में एक छोटा बच्चा है? You kidding me, lady? लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है मिलसा? मैंने जिसे काल लोक में देखा था वो कोई बच्चा नहीं था। भंबाल श्री तो हो सकता है कि उस महाताकतवर के पास अलग अलग रूप बदलने की शक्तियां हों। लेडियम मुझे आपकी इस बोरिंग थ्योरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस उस सुपर पावर की ट्रू आइडेंटिटी चाहिए। आई वॉन्ट रिजल्ट। सब्र रे सब्र। काललोक में जिस महाताकतवर को मैंने देखा वो नकाबपोश नहीं था। मिलसा ने जिसको भारत नगर में देखा वो कोई बच्चा था। और रे अनन्या ने तुमसे कहा कि उसका नाम विवान है। ये मामला कुछ पेचीदा होता जा रहा है। बाम्बाल श्री अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस पेचीदे मामले की जड़ तक जा सकती हूँ। वो कैसे मिलसा? हाँ। यादों की रेत के इस्तेमाल से। यादों की रेत? लेडियम अब ये भी कोई नया इन्वेंशन है क्या? अरे रिलैक्स भैया रिलैक्स। आई एम श्योर मेरा मैजिक किसी ने नहीं देखा होगा। पर विवान बालपरी ने हमें कहा है कि हमें सावधान रहना होगा क्योंकि वो शिंकाई वाले हमारे जादू के बारे में कभी भी पता लगा सकते हैं। और साथ ही साथ वो उन्होंने अनन्या को चेहरा बनाया नकाबपोश को ढूंढने के लिए। तो फिर वो लोग तो अरे रिलैक्स भैया रिलैक्स। आई एम श्योर मैं खुद बालवीर हूँ और आप भी फुल फॉर्म में बालवीर बनने के रास्ते पर है तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। डरने की बात नहीं है विवान लेकिन वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई। शिंकाई वालों ने नकाबपोश दूध को पकड़ने की कोशिश क्यों की? आई डोंट नो लेकिन जो भी है विवान वो लोग नकाबपोश के बारे में तो जान चुके हैं तो फिर उन्हें सीनियर बालवीर और जूनियर बालवीर के बारे में जानने में कितना टाइम लगेगा? और भालपुरी ने भी तो कहा है कि हमें सावधान रहना चाहिए। आई नो भैया। यू नो विवान तो अब हमें आगे क्या करना है? एक काम करते हैं हम बाहर जाकर पता लगाने की कोशिश करते हैं। चलो चलो। शिंकाई दुश्मन बाल परी बाल वीर ये सब क्या है विवान? मैंने सब सुन लिया है। देखो भैया अब तो लगता है कि माँ की मेमोरी क्लीन करनी पड़ेगी। क्या चुटकी क्यों बजा रहे? मैंने जो सुना उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। देखो भैया माँ के ऊपर मेरी मैजिक का कोई असर क्यों नहीं हो रहा? अब मुझे क्या पता विवान मैं तो अभी बालवीर बनने की एबीसीडी में भी नहीं पहुंचा। हाँ। क्या हुआ बच्चा खा गए कच्चा? अरे ध्वनि परी आपने तो हमें हार्ट अटैक दिला दिया था। ध्वनि परी एक तो हम ऑलरेडी टेंशन में हैं जो हम मेंशन नहीं कर पा रहे और आप हमारी फिरकी ले रही हैं। नॉट गुड ध्वनि परी नॉट गुड।
मैं तो तुम लोगों का मन बहलाने की कोशिश कर रही थी। ये किससे बातें कर रहे हो तुम दोनों? कोई मिरर तो है नहीं, तो फिर मेरा रिफ्लेक्शन यहां क्यों दिख रहा है विवान? ए, थ्री डी प्रोजेक्शन है। हाँ, ये विवान के स्कूल का प्रोजेक्ट है ना? वाह वाह विवान वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है। थैंक यू, थ्री डी प्रोजेक्शन। वाह विवान, ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है। इसलिए दिखेगा 3D प्रोजेक्शन है। अच्छा आप इसे इसे ऑफ कर और जल्दी से सो जाओ तुम दोनों। हाँ ओके ओके, ऑफ कर देना। कल क्वारंटाइन सेंटर में बहुत सारे काम है, ठीक है? ओके। अब क्या? आप एक काम कीजिए, अब आगे कीजिए, मैं और विवान आते हैं। हमें आज पूरी रात भारत नगर और क्वारंटाइन सेंटर के आसपास नजर रखनी है। हम इस यादव की रेत को पूरे भारत नगर में बिछा देंगे ताकि वहां जो भी घटना घटे वो इस यादव की रेत में याद बन के रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा अच्छा, जैसे धरती लोक पर सीसीटीवी कैमरा होता है, ठीक वैसे ही हमारे पास ये यादों की रेत है। यादों की रेत धरती के सीसीटीवी कैमरा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अच्छा? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा अपने फ्रेम के बाहर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मगर ये रेत सब कुछ रिकॉर्ड कर सकती है। आ, आ, जरा इस रेत का एक नमूना रे को भी दिखा दो मिलसा। जरूर बामबाल श्री, मैंने 2 घंटे पहले ही यहाँ यादों की रेत बिछा दी थी ताकि आपको और आपके चहीते रे को मैं इसका नमूना दिखा सकूं। How smart, lady. हाँ, दिखाई दिखाई सुंदरी जी, दिखाइए मैं भी तो देखूं। अरे इन्हें भी तो देखने दो कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में कितने ऊंचे ऊंचे ख्याल आते हैं। आ सुनिए ना, सुनिए सुनिए, मेरे पास वो बमबार करता रहता है, बड़ी बड़ी हाँकता रहता है, और दूसरी तरफ वो अंडे से निकला चूजा रेट और पनपन में कूदता रहता है, अंग्रेज की औलाद, राय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। अरे हाँ, स्वामी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझ पर यकीन कीजिए स्वामी, स्वामी यकीन कीजिए स्वामी, बहुत अच्छा यंत्र बनाया तुमने मिलसा। आहा बम्बाल श्री, आपको मेरा काम पसंद आया ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी तो मुझे भी हो रही है लेडिया, क्योंकि अब इस मेमोरी सेंड की हेल्प से हम जल्दी उस सुपर पावरफुल बीइंग को ट्रैक कर लेंगे। ना जाने कब से हम लोग उस सीक्रेट डोर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक
ना तो हमें शिंका ही में रहने वाले दुश्मनों का क्लू मिला और ना ही उस सीक्रेट डोर का। वाह, विवान और परिया संग्रोध केंद्र पर नजर रख रहे हैं, हमें यहाँ पर नजर रखनी होगी। ये कैसी आवाज है? भारत नगर मिशन कंप्लीटेड। क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा तुम्हें रे नकाबपोश। इससे पहले कि कोई मुझे स्पॉट करे, आई नीड टू गो बैक। माँ, अभी अभी यहां से कोई गुजरा है। हाँ चलो देखते हैं। क्वारंटीन सेंटर में इतनी रात को चोरों की तरह कौन छुप कर भाग रहा है? आखिर कौन हो सकता है ये जो चोरों की तरह भाग रहा है? बालवीर, हमें तुरंत ही विवान और परियो को सावधान कर देना चाहिए। हाँ विवान, परियो, हमने अभी अभी किसी के पैरों के निशान क्वारंटाइन सेंटर की तरफ आते हुए देखे, तो इसलिए अलर्ट रहना। देखो भैया, मैं ऑलरेडी एक मुश्किल कैरेक्टर को फॉलो कर रहा हूँ। हो सकता है वही वो खुफिया इंसान हो जो खुफिया दरवाजे की तरफ जाने की ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, हमें हमें देखना चाहिए। आखिरकार तुम पकड़े ही गए। अब हम शिंकाई के राजा के कोस को तुम्हारा चेहरा दिखाकर पूछ सकते हैं कि आखिर तुम हो कौन जो बार बार शिंकाई से यहाँ पर आ रहा है।